भाई सुनार वाले घर पर कब्जा हो गया। कसम खुदा का मेरा सारा रंग गिरा दिया। हाथ टूटे तेरे। या अल्लाह जाने कब इन गुंडों से जान छूटेगी। भाई बहुत गुस्से में है, पता नहीं किसकी शामत आनी है। सुबह नवी आजकल नजर ही नहीं आ रही है। पांच जी क्या हुआ? पांच जी घर पे कब्जा कर लिए जदे के बंदो ने, सबक सिखाना है उन्हें। पांच जी बाले गोल्डन को गम करे, मैं चला जाता हूँ। तुम लोगों में इतना दम होता तो मुझे जाने की जरूरत ना पड़ती। तुम लोगों से अच्छा मैं कुत्ते पाल लेता। वफादार तो निकलते भाईजान, कब्जे का तो आज ही पता चला। क्या पै थप्पड़ तुझे मैंने देर से पता लगाने के लिए मारा है, आज ही पता चला है तुझे। अल्लाह अशरफ तेरा बेड़ा गर्क करे। क्या बोला? भाई को बचवा दी, भाई को बचवा दी, मेरा भाई को बचवा दी। तेरी इतनी हिम्मत लो बेटा, चल के घर का दरवाजा खोलो। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मेरी बेटी मेरे घर का दरवाजा खोले। बाबा आप हर 6 महीने मुझसे घर खुलवाते। बेटा जहाँ पोस्टिंग होगी अब घर तो बदलना ही पड़ेगा ना। अपना घर तो मुल्तान में है और नए घर का ताला मैं तुमसे इसलिए खुलवा रहा हूँ कि बेटियाँ जिस काम की शुरुआत करती है ना, अल्लाह उसमें बड़ी बरकत डाल देता है। लेकिन बाबा इतना सारा सामान आप खुद कैसे उठाएंगे? मैं आपके साथ उठवाती हूँ। तुम्हें मेरा बेटा बनने का बड़ा शौक है। तो आप खुद तो कहते मैं आपका बेटा हूँ। बेटा मैं थोड़ी उतारूंगा सामान, मजदूर है ना साथ। अच्छा ना, लेकिन मैं आपके साथ रहूंगी। अच्छा बेटा ठीक।
कट दिया मैंने ठीक चंगा किया उसका ठीक होना ही बनता था ऐसे काम था ओ बड़े भैया ओ हेलो ये क्या बदतमीजी है ना कर कर चलने की क्या जरूरत है कि कुछ नजर ना आए तोड़ दिया ना हमारा शीशा तुम्हारी जोर जबरदस्ती यहाँ नहीं चलने वाली आराम से आराम से तमीज से बात करनी है बड़ा भाई है हमारा होंगे आपके बड़े भाई हमारा शीशा तोड़ा इन्होंने कि जोर जबरदस्ती यहाँ नहीं चलेगी अब नुकसान किया हमारा तो पैसे भरने होंगे आपको ओ लड़की जुबान संभाल के बात कर जुबान चलाई जा रही है जुबान चलाई जा रही है हमारे भाइयों के साथ तो फिर तुम समझाओ ना इनको शीशा तोड़ दिया हमारा झगड़ा आपका था ना हमारा तो नहीं था तो हम क्यों फंसे हमारा नुकसान हो गया आपसे बात कर रही हूँ सुन रहे हैं आप बहरे तो नहीं है नया शीशा तोड़ दिया अब कौन भरेगा नुकसान बेटा आप अंदर चलो ना मैं बात करता हूँ बाबा इनकी हिम्मत कैसे हुई हमारा शीशा तोड़ने की मैं दिखाता हूँ कैसे तोड़ा जाता सामान माजरा चाहते हैं आपसे ये जितना भी नुकसान हुआ है ये लड़का शीशा ठीक करवा के आपको दे जाएगा आप अंदर चलो ना चलो अंदर मैं बात करता हूँ मेरे बहुत शुक्रिया आपका थैंक यू वेरी मच अशरफ नाम है जी मेरा अशरफ मुनीर काउंसलर हूँ यहाँ का लगता है इस मोहल्ले में नया आया है आप जी ये लड़के आपका सामान अंदर रखवा लेते हैं नहीं नहीं बहुत शुक्रिया आपका मैं रखवा लूंगा बहुत नहीं, नहीं, ऐसी बात है अम्मा ये क्या हो गया अम्मा सायरा अम्मा मैं बहुत खुश हूँ अम्मा आपको नहीं पता बहुत खुश हो जाएंगी मैं आपको बताऊंगी तो अल्लाह तुमने तो डरा ही दिया है ये पढ़ने लिखने के अलावा भी कोई बात कर लिया कर कभी चल कोई बात नहीं अगर आई है तो बड़ी अच्छी बात है समझी पता नहीं क्या हो गया अम्मा बोर्ड के इम्तिहान में पोजीशन लेना बहुत बड़ी बात होती है रुबा पापा आपको नहीं पता अरे हमारे लिए तो आम सी बात है हर बार पोजीशन जो लेती हो अच्छा बहुत बहुत मुबारक हो अब इतनी बुरी सी शक्ल क्यों बना ली है ऐसे जैसे कोई पोजीशन वापस ले रहा है आपको नहीं पता लोगों के माँ बाप कितने खुश होते हैं गिफ्ट्स मिलते हैं सेलिब्रेशन होती है लेकिन आप लोगों के चेहरे पे मेरे लिए जरा सी मुस्कुराहट भी नहीं अच्छा चल जा खतीजा कपड़े धो रही है अकेले जा जा के कपड़े धो बाप जी हम खाना बना लिए बस जा रही हूँ जल्दी कर ले तुझे अपने भाई का पता है आ जाएगा वो अशरफ जा जाके जल्दी खाना बना अच्छा अम्मा जा रही हूँ हाँ इनको तो बस अपने बेटों की फिक्र रहती है ले खुश ना हुआ करो कभी अखबार में ऐसा क्या देख लिया आजकल अखबार पढ़ता तो मुस्कुराता तो नहीं यार वो मेरी बहन की बोर्ड में फर्स्ट पोजीशन आई है ओह दैट्स गुड न्यूज़ मुबारक हो थैंक यू हमारी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया हाँ बस टाइम तो हो गया मैं निकलने वाला हूँ
लो भाई, मौत का फरिश्ता आ गया। तुमने सांस क्यों लिया? ये पानी किसने पिया? तुम्हें पानी पीने की इजाजत किसने दी? खबरदार मेरे भाई को कोई बात की तो। बड़े धुलाई की मैंने उसकी। अब नहीं करेगा इस घर की तरफ रुख। हो गया आपका घर खाली? फखर है मुझे तुझ पे। बचपन में तुमने अपनी पढ़ाई नामुकम्मल की, मुझे दुख था, लेकिन तुमने इस काम में खूब मेरा हाथ बटाया। तेरे बगैर पता नहीं मैं कर सकता या नहीं। अब तू ही बता अब्बा, ये प्लॉटों पे से कब्जा छुड़ा सकता है? घर खाली करा सकता है ये? जिस तरह उन्होंने जवाब को तैयार किया, तेरा मरहूम मामा जो है ना, दवाएं देता होगा तुझे, खुश होगा कि मेरे यतीम बच्चे को पटरी पर लगा दिया। जमात की फिक्र ना कर, तू वो सही जा रहा है, जैसा कहता हूं वैसा ही करता है वो। इससे नहीं होगा ये सब कुछ, मुकाबले के लिए हौसला और ताकत चाहिए। बोल, मेरी ताकत का खेल अच्छा है या तेरे कलम का? कलम उठाने वाले को कमजोर मत समझे भाई। वैसे भी मेरे नजदीक किसी से लड़ना बहादुरी नहीं है। आंखों में आंखें डालकर सीना तान कर मर्दों की तरह लड़कर जीतना बहादुरी है। अब्बा, इसकी टीचरी से जो 60,000 आता है वो तेरे काम ज्यादा आता है या मेरे कारोबार से आया हुआ पैसा? क्या हो गया भाई आपको? ये क्या टीची टीची की रट लगाई हुई है आपने? लेक्चरार हूँ मैं और मेरे पेशे को गारत की नजर से मत देखा करें आप। अब्बा, मेरे इंटर में फर्स्ट पोजीशन आई है और तस्वीर भी आई है। ला इधर दिखा मुझे, तो दिखा ना इधर, तेरी इसमें तस्वीर भी आई है? इतनी क्लियर नहीं आई। मुबारक हो, साहबजादी की फोटो छपी है अखबार में। क्या जरूरत पड़ी थी तुझे अखबार में फोटो देने की? हाँ, वो कॉलेज में एडमिट कार्ड के लिए देनी पड़ी। बस कर, ज्यादा समझना पड़ा मुझे। भाई इतना गुस्सा करने वाली क्या बात? जब लड़कियों का रिजल्ट आता है ना तो अखबार में साथ उनकी तस्वीर भी छपती है। क्यों ना करूं गुस्सा? दूसरी लड़कियों की आती है तो आए फोटो, इनकी इज्जत का जिम्मेदार मैं हूं और मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता कि मेरी बहनों की फोटोएं अखबार में छपे। ये तो अब्बा ने इसको पढ़ने की इजाजत दे दी, वरना बाकी दो की तरह ये भी इज्जत से घर बैठती। फोटो छपी है इसकी। भाई ये क्या कर रहे हैं भैया? चल चल, जा जाके जोड़ ले अंदर, चल निकल यहां से। तस्वीरें छपवाने का शौक है बड़ा अखबार में। अच्छा, तो मैं घर पे नहीं होता तो तू फोटो से इश्क झाड़ती है? शर्म आती है तुझे कि नहीं आती? बाप ला ना चाय। अम्मा आ रही हूँ। तो इतनी देर लगा दी इस लड़की ने, चाय बना है? सायरा, तुझे क्या हुआ? समझाती क्यों नहीं आप अशरफ भाई को? हर बार गैरत और इज्जत का झंडा लगाते रहते हैं। मैंने तुझे मना किया था ना, मैंने तुझे कहा था ना जा, तुझे शौक है डांट खाने का, जा और खा क्या। हाँ तो अब्बा को रिजल्ट बताने गई थी, मुझे क्या पता था वहाँ पे पहले से ही बैठे हुए होंगे। बता दिया अब्बा को रिजल्ट? हाँ बता दिया और तमाशा भी बन गया। इतनी मेहनत की थी मैंने, इतना डांट दिया मुझे। अलिफ का बे नहीं पता और बातें करते हैं। बुढ़िया,
किसकी बातों का बुरा मना रही है? अशरफ भाई को कोई सीधी बात भी कर दे ना तो वो उसका गलत मतलब ही निकालते हैं। इतनी मेहनत की है तुमने, इतने अच्छे नंबर लिए, अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए। हमारे घर में कोई खुशियां मनाने देता है हमें? यहाँ तो मुस्कुराने के लिए भी अशरफ भाई की इजाजत की जरूरत होती है। ना कर, बुरी बात, तेरा बड़ा भाई है। बुरी बात सायरा, सुन लेगा ना तो फिर डांट पड़ेगी तुझे। अच्छा सायरा, सायरा कल ना हम खुशी मनाएंगे दोपहर को, ठीक है? हम तेरे मतलब का खाना बनाएंगे जो तुझे पसंद होगा, ये खतीजा और बाप दोनों बनाएंगे। सच्ची? और मैं लाऊंगी तुम्हारे लिए एक अच्छा सा तोहफा। पता है कश्यप मुझे बता रही थी कि ना जिन्होंने अच्छे नंबर लिए ना, फर्स्ट टाइम पोजीशंस लिए, उनको ना स्कॉलरशिप मिल रही है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में। हाय कितनी अच्छी बात है, तो खुश हो ना, छोड़ तू लोगों की बातें ना सुना कर। हाँ खुश हूँ, लेकिन एक बात का डर है मुझे, अशरफ इसे यूनिवर्सिटी नहीं जाने देगा। आ मेरे पास, इधर आजा मेरी बच्ची, जाएगी यूनिवर्सिटी, जाएगी तो बस चुप कर जा, इतनी मेरी अच्छी बच्ची। चलो तुम यहाँ पर छुपी बैठी हो और मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढूंगा। ये लो तुम्हारा तोहफा। सारा आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, तुम्हें पता है तुमने वो काम कर दिखाया है जो मैं भी नहीं कर सका। आज तुम्हारी तस्वीर अखबार में देख के मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने अपने सब कॉलीग्स को बताया, उन्होंने मुझे इतनी मुबारकबाद दी। इतनी बड़ी कामयाबी को फिर होता है, रो क्यों रही हो? क्या फायदा ऐसी कामयाबी का जब किसी को कदर ही नहीं। जिस अखबार में मेरी तस्वीर आई वो भी भारती, मैं उसको संभाल के रखना चाहती थी। तोहफा तो खोलो, अखबार से हमारे घर आता है, बताओ मुझे, खोलो इसको और रोना बंद करो, ये कामयाबी पे रोता थोड़ी। चलो, इतनी मेहनत से पैक किया था मैंने। थैंक यू। अगर आप हमारी जिंदगी में ना होते ना तो हमें खुशियां महसूस ही ना होती। अच्छा तो फिर रोना बंद कर दो। नहीं छोड़ी। गुड गर्ल, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। बस बेटा छोड़ दो, अब बाकी काम बाद में कर लेंगे, वैसे भी घर ठीक सेट हो गया है। ओहो बाबा मैं नहीं थकती, आप फिक्र ना करें, वैसे शुक्र है पर्दे सेट हो गए, देखिए अच्छे लग रहे हैं ना। बैठो चाय पियो, मैं अपनी बेटी के लिए अपने हाथ से बना के लाया हूँ। अरे आप चाय क्यों बना के ले आए, मैं खुद बना लेती। लो, हर काम अपने हाथ से करोगी तो बीमार पड़ जाओगी तुम। कुछ नहीं होता मुझे, मैं ठीक हूँ, ये ले आप चाय पिए। वैसे अम्मी कहाँ है? अम्मी तुम्हारी तरह मेरा कमरा सेट करने में लगी हुई है। और बेटा मेरी एक बात गौर से सुनो, उस गुंडे से आपने बहस करके बहुत बड़ी गलती की है, आइंदा आप उससे कोई बात नहीं करोगी। मैंने कहां बात की उससे बाबा, उल्टा उसने हमारा नुकसान कर दिया, आवारा कहेगा, मेरी ड्रेसिंग टेबल का शीशा तोड़ दिया, पता नहीं नया बनवा कर देगा भी या नहीं। बेटा हमें नहीं चाहिए उसका शीशा विशा, हम खुद बनवा लेंगे, बस आपने आइंदा उससे बात नहीं करनी। बाबा मैंने उसे भरपाई करने को कहा था। बेटा हमें नहीं चाहिए उसका शीशा विशा, हम खुद बनवा लेंगे, वो यहाँ का काउंसलर है और बहुत बड़ा गुंडा है। वैसे आप कितना डरते हैं बाबा, आपको जरा भी अपनी बहादुर बेटी पर यकीन नहीं है। बहादुर लोग जाहिलों के मुंह नहीं लगा करते बेटा। अच्छा ठीक है मैं नहीं करूंगा बाबा, आप चाय पिए। क्या मुसीबत है, क्या हो गया मुझे?
कमी याद आ रही है मुझे। इतनी तेज लड़की किस तरह मुझसे बात कर रही थी। आज तक किसी की जरूरत नहीं हुई इस तरह मुझसे बात करने की। क्यों वो मेरे हवासों पे छा गई है, क्यों? ऊपर कर, बाल तो ठीक करने दे। वो उस दिन गलती से शीशा टूट गया था ना हमसे, वो ठीक करवा के लाया। आई आप ओके जाए। आजा, क्या हो गया तुझे? शुक्रिया। मैं वो हो जाता है ऐसे, हो जाता है। उसको नहीं पता ना मेरा। हाँ, हो जाता है। आजा फिर, हो जाता है। पापा, सुफियान भाई ने अब अपना क्लिनिक भी खोल लिया है और अम्मा बता रही थी कि पप्पू कह रही है रुखसती में जल्दी करनी है। आपा, हाँ, एक काम कीजिएगा, जो रुखसती की तारीख है ना वो थोड़ी आगे बढ़वा दीजिएगा, क्योंकि अब तो मैं एडमिशन ले रही हूँ, पढ़ाई में तो बहुत बिजी हो जाऊंगी मैं। अम्मा से बोलूंगी कि पप्पू से पूछने की बजाय आपसे पूछ के शादी की तारीख दे दे, ठीक? दुआ करे अप्पा मेरे एडमिशन की फीस दे दे। अप्पा, वो पैसे कभी भी नहीं मिलने वाले। अच्छा, अब्बा मुझे पैसे नहीं देंगे और आप मुस्कुरा रही हैं इस बात पर। अरे मेरी गुड़िया, मैं कहाँ मुस्कुरा रही हूँ। हाँ, अच्छा, तो फिर आप अपनी शादी की खुशी में मुस्कुरा रही हैं। हाँ, एक बात तो बताएं मुझे। आपको सुफियान भाई बहुत अच्छे लगते हैं। जाहिर है बचपन का साथ है और निकाह के बाद तो वैसे भी दिल की जो फीलिंग्स है ना बिल्कुल बदल ही जाती है। अजीब सा मोहब्बत का एहसास है जो दिल में उतरता रहता है। हर वक्त तंग करती रहती है मुझे। चल जा जा के काम कर उनका। हाय अम्मा, ये दुपट्टा कितना प्यारा है। बस पैसे जोड़ जोड़ कर कुछ कर ही लिया मैंने। तुझे पता है हमाद बड़ी मदद करता है मेरी। हमाद भाई हैं ही इतने अच्छे, बहुत ख्याल रखते हैं हमारा। हालांकि ये तो अब्बा की जिम्मेदारी है। तुझे पता है तेरे अब्बा शुरू से कंजूस और बखील है। वैसे मैंने खदीजा के जहेज का सारा सामान तकरीबन मुकम्मल कर लिया, एक जेवर का सेट रह गया। तेरे अब्बा पैसे देंगे तो जाके ले आऊंगी। अम्मा, हर बात की टेंशन ना आप अपने ऊपर मत ले लिया करें, थोड़ा बहुत अब्बा को भी करने दें। और वैसे भी ना पुप्पी उनकी बहन है, वो जेवर नहीं देंगे तो पुप्पी खुद ही पूछ लेंगी उनको। और सुफियान भाई भी उनके इकलौते भांजे हैं। किसी की परवाह नहीं उन्हें,
मेरे दिल को तो हर वक्त धड़का ही लगा रहता है, पता नहीं इस घर से डोली उठेगी भी या नहीं। मेरी प्यारी अम्मा आप परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तूने बाकी कपड़े देखे? मैं भी देख रही हूँ ना। देख तो सही, देख तो सही। तुझे पता है भतीजा को ये रंग बड़ा अच्छा लगेगा, है ना? क्या हो रहा है? कुछ नहीं भाई। क्या हो रहा है ये? मुझे नहीं पता था आप घर पे हैं। ये क्या है यार? दिखा जा, दिखा। अच्छा तो मैं घर पे नहीं होता तो तू फोटो से इश्क झाड़ती है। शर्म आती है तुझे कि नहीं आती? अशरफ क्यों डांट रहा है इसको? मुझसे क्या पूछ रही है? पूछ इससे, बता, बताती क्यों नहीं? नहीं, नहीं देख, ये इश्क झाड़े इसी फोटो के साथ। अशरफ इसका निकाह हुआ हुआ इसके साथ। तो निकाह का मतलब ये नहीं है कि बाप और भाई का लिहाज ही भूल जाएगा। वाह याद कहीं की मनु तुझे एक। अशरफ क्यों इसके पीछे पड़ा रहता हर वक्त? बस कर दे अम्मा, बस कर दे। मैं ना हूं ना तो ये तीनों कब की फरार हो चुकी हूँ। तू सोचता नहीं तू क्या कह रहा है? क्या कह रहा है तू? बहने तेरी, सोच के बात किया कर। सिर्फ तेरी झाड़ सुन लेता हूँ, वरना किसी की जरूरत नहीं मेरे सामने जुबान खोले। पकड़, पकड़ इसे। करती रहे इश्क, हटा के थे डूब के मर जाओ। टाड़े साड़े लुट गए मोटिए दे पुली मेरी बाइट ठुक गए मुकदी नियार टेरी मुकदी नियार टेरी रात साड़ी डाली। ओए नवीन इधर आ, इधर आ। कई महीने से इसे किराए का बोल रहा हूं, टाल मटोल कर रहे हैं, और जब मैंने कहा घर खाली करके दिखा तो कहता खाली करवा के दिखा। कौन भरेगा तेरा किराया? मैं भरूंगा। अशरफ भाई 11 माह का एडवांस है आप लोगों के पास, और कहीं हम भागे नहीं जा रहे। भाई दुबई से आएगा ना तो दे देंगे। ओए बोल किस तरह रहा है तू? अच्छा चल चल बोल दे, बोल। अशरफ भाई जितना भी लिहाज है आपके घर हमारे आना जाना है। आना जाना है भाई, इसका ये मतलब थोड़ी है कि तू किराया ना दे। मैं पुलिस को बुला दूं। और तेरी पुलिस की ऐसी तैनात कब लाएगा? पुलिस को बुला दे, पुलिस बुलाएगा। उठो, क्यों मार रहे हो उसे? और सुफियान तू हट जा बीच में से। क्यों हट जाओ सुफियान भाई? आपको अल्लाह का बादशाह, इसको आप नहीं मारेंगे। तब पीछे से हट जाए सुफियान भाई, हट जाए पीछे से। तू बीच में ना, वरना वरना क्या, वरना टांगे तोड़ दूंगा तेरी मैं। ये लोग तुम्हें काउंसलर इसलिए बुलाते हैं ताकि तुम इनकी मदद कर सको, काम आ सको इनकी। और तुझे पता है मैं क्यों मार रहा हूँ उसको? जानता हूँ, आदत पड़ चुकी है तुम्हें लड़ाई झगड़े की, दंगे फसाद की। ज्यादा लेक्चर ना देगा, चल लेक्चर देता है मुझे आके। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, बहनोई हूँ तुम्हारा मैं।